हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपकी हिंदी का कार्य पत्रक 66 करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने 65 वर्कशीट्स YouTube पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपका कोई वर्कशीट मिस हो गया है या आपको कोई वीडियो नहीं मिला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप ये वर्कशीट सॉल्व कर पा रहे हो। हमारा अधिगम क्षेत्र है पढ़कर समझना और समझकर लिखना। अधिगम बिंदु है पढ़ी हुई सामग्री को समझ पाना और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो बच्चों, आज हमें एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को हमें पढ़ना है और नीचे लिए गए प्रश्नों के उत्तर भी हमें पढ़ने हैं। यहां लिखा है, मेरा जन्मदिन 28 मार्च को आता है। मैंने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को बुलाया। माँ ने हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। दीदी ने कमरे में गुब्बारे लगाए। मैंने केक काटा। चॉकलेट केक सभी को अच्छा लगा। दादाजी, दादी जी, मम्मी पापा ने मुझे आशीर्वाद दिया। सभी मेरे लिए उपहार लाए। दादाजी ने मेरे हाथों से एक सुंदर सा पेड़ लगवाया। काश मेरा जन्मदिन साल में दो बार आता। तो बच्चों, इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, माँ ने मेरे जन्मदिन पर क्या किया? तो इसका उत्तर है बच्चों, माँ ने मेरे जन्मदिन पर अच्छे अच्छे पकवान बनाए। दूसरा प्रश्न है, आप अपने जन्मदिन पर क्या करते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, हम अपने जन्मदिन पर केक काटते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लेते हैं और पौधारोपण करते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपनों से बड़ों का आशीर्वाद कब कब मिलता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद किसी शुभ कार्य को करने से पहले, कहीं बाहर जाने से पहले, अपने जन्मदिन, तीज त्योहार इत्यादि पर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ किसने लगवाया था? पेड़ क्यों लगवाना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, पेड़ दादाजी ने लगवाया था हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रदूषण समाप्त करने के लिए पेड़ लगवाने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, हमारी जो वर्कशीट है 66 नंबर वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर लें। और बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।